हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक कटोरी बेसन और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो इसके लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है छान के। इसमें डाले हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और ये सामान काटे हैं। शिमला मिर्च है, ये प्याज है और हरी मिर्च है, इनको बारीक काट लिए हैं। यह है हरा धनिया। अब जो कटे हुए सामान है उस पे से सबको आधा आधा डालेंगे। यह है शिमला मिर्च और यह है प्याज, यह है कटी हुई मिर्च और आधा डाला इसमें धनिया। और अब घोल तैयार करेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये बेसन में गांठें ना बने। ऐसे घुमा घुमा के एक पतला घोल तैयार करना है। घोल को गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है जिससे कि ब्रेड अच्छे से सोख ले बेसन को और मसालों को, और इससे क्रिस्पी बनेगी बेसन में डुबोने से, सेकने से। तो ये घोल तैयार हो गया है। घोल को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। और ये ब्रेड निकाल लिए हैं पैकेट में से, ब्रेड को खोल के रख लिए हैं। और अब घोल को चेक करते हैं। तो घोल को एक बार थोड़ा और मिला लेते हैं और ये इस प्रकार से ब्रेड को डुबो डुबो के तवे पर रखेंगे, गरम तवे पे। तो तवा गरम हो गया है, तवे को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और ब्रेड को उसमें घोल में डुबो डुबो के रखेंगे तवे पे, गरम तवे पे। इसके ऊपर डालेंगे ये जो बचे हुए थे शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च और धनिया, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि ये बेसन का जो घोल है थोड़ा क्रिस्पी बन जाए और थोड़ा पेंदा छोड़ दे पलटने के लिए। और अब इसको पलट दिए हैं। इसके ऊपर और डाल देंगे पलटने के बाद शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च और धनिया, और थोड़ा सा इसको दबा देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए इसमें ब्रेड में। तो थोड़ा दबा दिए हैं और थोड़ा ऊपर से ऑयल और डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए बेसन और ये किनारा छोड़ दे। और पलट देंगे एक बार और दबा देंगे एक बार और। इस प्रकार से इसको दबा दबा के और पलट पलट के इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो सभी ब्रेड को इस प्रकार से घोल में डुबो डुबो के और ये बचा हुआ सामान डाल डाल के इसको सेकना है क्रिस्पी होने तक। तो ये एक तरह से सीख कर तैयार हो गई है। देखिए इस प्रकार से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है इसको। और सभी ब्रेड को इस प्रकार से सेक सेक के एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसको बीच में से कट करेंगे जैसे पेटीज कट करते हैं ना, इस प्रकार से कट करके थोड़ा इसको डेकोरेट कर देंगे और सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये। थैंक यू।